बैग मेरा कुछ ऐसा है, मतलब पूरा टूट चुका है बैग। कुमार घाट में क्या, मतलब पूरे अगरतला में अभी तक जहाँ मैं आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पर यही एक्सपीरियंस हो रहा है कि यहाँ पर बंगाली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। दरअसल टारगेट हमारा अगरतला तक का था। तो गाइज मैं हूँ राइट नाउ ऊनाकोटी में, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिच हाइकिंग एक्सपीरियंस इन त्रिपुरा। तो कैसी रहती है मेरी त्रिपुरा में हिच हाइकिंग, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। ये बोर्ड लगा है ऊनाकोटी का, बैग मैंने लटका लिया, और भाई मैं बैग का आपको नमूना बताता हूँ। बैग मेरा कुछ ऐसा है, मतलब पूरा टूट चुका है बैग, वो भी फ्रेंड का भी बैग लगभग टूट चुका है। तो देखते हैं आज क्या होता है और कैसा रहता है एक्सपीरियंस, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, और यार अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर करते जाना। तो ऊनाकोटी के जस्ट पास ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, और देख लीजिए पेड़ कितना बहुत ही मतलब शानदार लग रहा है। और ये पेड़ किस चीज़ का मैं पूछता हूँ, लक्ष्मी और नारायण का ये मंदिर है। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पर, अगर आप ऊनाकोटी आते हैं तो पास ही में है ये, आ सकते हैं लक्ष्मी नारायण का मंदिर। भाई साहब मैं निकला था ऊनाकोटी जो रॉक कार्विंग है वहाँ से, और वहाँ से जस्ट निकल के मैं जा रहा था अगरतला की ओर। रास्ते में भाई साहब लोग मिल गए, क्या क्या नाम है आपका? अजय। अजय भाई साहब हरियाणा से? यस सर। और मेरा नाम आदेश है। आपका? मेरा नाम विक्रम है, मैं त्रिपुरा का हूँ। अच्छा, तो ये सर त्रिपुरा से हैं, बाकी भाई लोग हरियाणा से हैं, और हरियाणा से अभी इंजीनियर है ना? यस सर। ओके, तो भाई इन्होंने दी है हमें लिफ्ट आगे कुमारघाट करके एक टाउन है वहाँ तक। तो भाई लोग के साथ जा रहे हैं, और हम लोग अभी बैठे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा तालाब है जिस मंदिर के बारे में मैंने बताया आपको वहाँ पर। वो भाई साहब बता रहे थे कि ये जो तालाब है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा है, और पानी इसका कभी ख़त्म नहीं होता है, और बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ दिख रही हैं इसमें। तो निकालते नहीं होंगे ना इसकी मछलियाँ कि निकालते हैं? छोटा वाला पकड़ते, बड़ा वाला नहीं। अच्छा अच्छा, छोटी वाली मछलियाँ। तो बस गाइस चलते हैं आगे कुमारघाट तक। तो भाई साहब लोगों ने हमें छोड़ दिया है, कुमारघाट नाम की एक जगह है अगरतला वाले रास्ते में। तो कुमारघाट में बहुत ही खूबसूरत सा मार्केट लगा हुआ था पीछे, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं करा। हमें जाना है अभी सीधा, कहाँ जाना है, तेलियापारा की ओर जाना है। तेलियापारा में जा रहा हूँ फिलहाल, और देखते ही हैं और क्या कर सकते हैं, लिफ्ट मिल नहीं रही है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऐसा कुछ सीन है। छाता लिए अपने धुन में चले जा रहे हैं, बाल वाल का कुछ ठिकाना नहीं है। तो अगरतला में भाई कुमारघाट में क्या, मतलब पूरे अगरतला में अभी तक जहाँ मैं आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पर यही एक्सपीरियंस हो रहा है कि यहाँ पर बंगाली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्राइब्स भी हैं, तीन चार ट्राइब्स हैं, त्रिपुरी, चकमा, ऐसा करके कुछ ट्राइब्स भी हैं। तो देखते हैं, ट्राइब्स को भी एक्सप्लोर करने का प्रयास रहेगा। बाकी बंगाली लोग मैक्सिमम है यहाँ पर, बंगाली भाषा में लिखा होता है हर जगह, तो ऐसा कुछ सीन है भाई। बस 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद एक और लिफ्ट मिल गई है हमें, और भाई साहब ने दिया है। भैया क्या नाम है आपका? रिपन। तो रिपन भी है, और रिपन भी जा रहे हैं मनु तक। कितना किलोमीटर भी है यहाँ से? 25। तो भाई 25 किलोमीटर के लिए फिलहाल हमें मिल गई है लिफ्ट, और अच्छा लग रहा है। मतलब आज का हमारा जो टारगेट है हिच हाइकिंग इन त्रिपुरा, तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब सक्सेस हो रहा है। तो देखते हैं शाम तक हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। पेड़ दिखेंगे ना जंगलों में, तो ये वाला जो एरिया है कुमारघाट वाला एरिया, इसमें पूरे आपको सागौन के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही महंगी लकड़ी होती है यार इसकी, सागौन से मतलब अच्छा खासा टिकाऊ फर्नीचर बनता है, मतलब जो सालों साल तक टिकता है। भाई साहब ये है 82 माइल, और यहाँ से शुरू होता है एक और नया डिस्ट्रिक्ट,
डिस्ट्रिक्ट का नाम है धलाई डिस्ट्रिक्ट, और त्रिपुरा में कुल मिला के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से एक ये भी है भाई साहब। तो नॉर्थ त्रिपुरा हो गया, उनाकोटी हो गया, और ये तीसरे नंबर का। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में विजिट कर पाते हैं हम। भाई साहब फाइनली पहुंच गए हैं मनु नाम की एक जगह है, और यहाँ से अम्बासा और तेलियामुड़ा मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और चलिए उतरने का समय हो गया अपना। पापा कहाँ तक जा रहे हैं? अजय, तो ये है अपने अजय भैया, और ये है तेलियामुड़ा से। तो तेलियामुड़ा से भैया, और इन्होंने दिए हमें तक वहाँ तक लिफ्ट। तो यार देखो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा हो गया 8 बज जाएगा और रुकने की जगह हमें ढूंढनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अंधेरा होने के बाद थोड़ा सा दिक्कत है। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और अच्छा होगा, खराब नहीं होगा। जी जी, तो बस जंगल के बीच से फिलहाल गुजर रहे हैं हम लोग। और अभी ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भैया? धलाई डिस्ट्रिक्ट। तो और वो तेलियामुड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अच्छा, वो अगरतला वाले डिस्ट्रिक्ट में। ओके, देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट को हार्म करते हुए बिल्डिंग्स का निर्माण नहीं किया गया, नॉर्मल सा है और अच्छा खासा है, मतलब ठीक ठाक है। और यहाँ जंगल से जस्ट नीचे उतरता है, इसके बाद फिर से मतलब हमें एक पहाड़ चढ़ना पड़ेगा जो तेलियामुड़ा है वहाँ जाने के लिए, और वो वाला रास्ता भी बीच में बहुत बड़ा जंगल है। तो मतलब त्रिपुरा में ऐसे पैचेस बने हुए हैं अलग अलग, फिर जंगल फिर प्लेन्स फिर जंगल फिर प्लेन्स, ऐसे करके पूरी तरह से पैचेस है मतलब। शाम हो चली है और यहाँ पर मतलब रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मिट्टी काटा है इसलिए मतलब ट्रक जो है चढ़ नहीं पा रहे हैं ऊपर, और फिसलन हो रही है थोड़ी थोड़ी, और हाइट भी है यहाँ पर, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मतलब ट्रक को चढ़ने में। पूरा नया रोड बन रहा है यार इस तरफ, तो बीच बीच में रास्ता बहुत ख़राब है। तो भाई साहब सुबह से हो गई है शाम, और हमारी यात्रा अभी पहुँची है एक छोटा सा टाउन है आगे। क्या नाम है भैया जगह का? आगे जगह जहाँ जा रहे हैं तेलियामुड़ा। तो तेलियामुड़ा तक हमें पहुंचना है, मतलब शिलोंग तक गए थे क्या भैया? शिलोंग तक, और 3 बजे। तो अभी इनको मतलब लगातार चलाते हुए लगभग 18 घंटे हो गए हैं, तो भाई मानना पड़ेगा भैया को इनके स्टैमिना को, और बस जाम में फंसे हुए हैं। हमारी तो ज़िंदगी ऐसी है कि रोड जाम, कीचड़, ख़राब स्थिति, बारिश, यही है। तो बस एक लंबी कतार लगी हुई है गाड़ियों की, और वहाँ पर जेसीबी जो है ना, एक जेसीबी गाड़ियों को धक्का मार के ऊपर पहुँचा रही है, क्योंकि ये नया सड़क बन रहा है और बहुत ज़्यादा जो है कीचड़ है, तो गाड़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ पा रही है हाइट के कारण, एलिवेशन के कारण। तो देखो कब तक निकलता है एक एक करके, बहुत टाइम हो गया यार यहाँ पर, बहुत समय ख़राब हो गया भाई। भयंकर वाला जाम लग गया, मतलब 2 से 3 घंटे हम यहाँ पर रुके हुए थे, और मतलब एक जेसीबी ने आके इसको धक्का मारा, और धक्का देने के 200 रुपए के लगभग, हाँ 200 रुपए लगभग के लिए उन्होंने, तो ड्राइवर भाई साहब ने दिए उनको पैसे, और बहुत ख़राब हालत है यार यहाँ पर रोड की। आप पर ठीक है बना रहे हो, लेकिन एटलीस्ट मेंटेन करके रखो। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ड्राइवर भैया के साथ चकमा घाट, और यहाँ से रानी बाज़ार के लिए भैया ने व्यवस्था कर दिया है सामने वाली ट्रक में। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, रात के 9 बजे आपने इतना मेहरबानी कर दिया हमारे ऊपर। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। चलिए, जिन भैया के साथ हम जा रहे हैं उनका नाम है दीपक शाह भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, थैंक यू सो मच। तो भैया हमें छोड़ रहे हैं आगे रानी बाज़ार करके एक जगह है ना, मतलब बड़ी
अच्छा, तो अगरतला से थोड़ी सी पहले हैं तो वहाँ तक जा रहे हैं और रात के अभी 9:30 बजने वाले हैं भाई, तो अलग ही लेवल के एडवेंचर हो रहे हैं हमारे इस त्रिपुरा के जर्नी में और हिचहाइकिंग के गजब एक्सपीरियंस हो रहे हैं यार। लोग मतलब बहुत कोऑपरेटिव है तो मज़ा आ रहा है। चलो अब रात कहीं भी कटे लेकिन हमारी सफ़र की शुरुआत तो हो। चलिए दादा धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई यहाँ पर पहुँच गए यार, और ये कोई पार्किंग है और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अंदर। तो अब नींद में मतलब हमारी जुबान इधर से उधर हो रही है भाई। तो फाइनली मिल गई हमें एक जगह और हम लगा रहे हैं यहाँ पर टेंट। तो मैं बताता हूँ कहाँ पर रुकूँ, पहले टेंट मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो भाई साहब मैंने फिर टेंट लगाया है यहाँ इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट का, मतलब एक पार्किंग लॉट है कह सकते हैं गवर्नमेंट का, जहाँ पर बहुत सारी ट्रक्स लॉरीज वगैरह खड़ी होती, तो वहाँ पर मैंने टेंट लगाया। वहाँ पर जो सिक्योरिटी में सर थे उन्होंने उसको परमिशन दिया। फिलहाल मैं एक ढाबे पे आया हूँ और यहाँ पर बन रही है हमारे लिए रोटी, और आज 10 रुपये रोटी है और 50 रुपये अंडा, तो 3-4 रोटी खा लेते हैं तो 100 रुपये तक का बिल आज बनेगा हमारा। चलिए कम से कम भूखे पेट नहीं सोएंगे, और रात के 10-11 बजने वाले हैं और इस टाइम पे हमें भोजन मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। भाई साहब भूख इतनी लगी थी कि रिकॉर्ड करना ही भूल गया। ये अंडा और रोटी खा रहे हैं भाई और लगभग पेट भर गया। 3 रोटी मतलब खा ली है, 1 रोटी आ रही है। अच्छा, दाल तड़के के साथ अंडा भुर्जी। देखो कभी लगता है भोजन नहीं मिलेगा और अंडा का सब्जी खा रहे हैं, यही जीवन है, यही मुसाफिर वाली लाइफ है भाई। तो आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रामपाल सिंह। आपका सर? मेरा रोबी देवर्मा। तब हुआ कुछ ऐसा कि मैं, ये एक पार्किंग लॉट है, गवर्नमेंट पार्किंग लॉट है, और यहाँ पर मैं आया तो सर लोग बोले यार यहाँ पर तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अंततः कहाँ पर सोया हूँ मैं बता रहा हूँ, मतलब ये हमने टेंट लगाया यार जस्ट इनके मतलब बगल में जहाँ पर ये ड्यूटी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। तो भाई आज की रात मतलब हमारी सफल रही, और त्रिपुरा में जो हिचहाइकिंग और वॉकिंग का जो हमारा सिलसिला है ये आगे भी जारी रहेगा। अगर वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो देख लीजिए, लाइक वगैरह कर दीजिए और कमेंट करके बताइए यार कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। और बस चलिए मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।